दोस्तों, श्रीलंका अंडर 19 एंड पाकिस्तान अंडर 19 के बीच में लास्ट जो हिट टू हिट मैच खेला गया था वो लगभग एक महीने पहले ही तो खेला गया था अंडर 19 एशिया कप के फर्स्ट सेमीफाइनल में, जहां पे श्रीलंका अंडर 19 टीम 147 बना के ऑल आउट हो गए थे और पाकिस्तान को सिर्फ 125 पे ऑल आउट कर दिए थे। इस मैच में कौन से प्लेयर कैसा किए थे, हम इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक ज़रूर से बने रहिएगा। दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा शाम के 6:30 बजे और इस मैच का फाइनल अपडेट आएगा हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल पे। दोनों का ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा, यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके ही आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट वहीं पे आएगा। एंड उसके साथ साथ PSL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग एंड जो अंडर 19 वर्ल्ड कप प्लस प्रो कबड्डी लीग चल रहे हैं उसके भी टीम्स हम टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करते हैं। दोस्त, बात कर लेंगे वेन्यू के बारे में, तो सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ में ये मैच खेला जाएगा, जहाँ पे वनडे इंटरनेशनल मैचेस अब तक 20 खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 10 बार जीते हैं तो बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम भी 10 बार जीते हैं। एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट यहाँ पर 239 का रहा है। स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे कि 200 के नीचे 5 बार, 200 एंड 249 के बीच में 6 बार, 250 एंड 299 के बीच में भी 6 बार एंड अबव 300 सिर्फ 3 बार बना है। दोस्तों, ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है ना, उसके कुछ मैचेस ऑलरेडी इस वेन्यू पे खेले जा चुके हैं। देखिए, लास्ट जो मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड अंडर 19 के बीच में, वहाँ पे सिर्फ बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम जीता, बाकी उसके पहले बैटिंग फर्स्ट वन, बैटिंग फर्स्ट वन, बैटिंग फर्स्ट वन। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा चारों के चारों मैचेस में कि स्पिनर्स काफ़ी अच्छे खासे गेम में आए हैं पेसर्स के मुकाबले। यहाँ पे पेसर्स को सिर्फ 4 विकेट मिले हैं, स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट तो सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, टोटल 8 विकेट निकाले हैं। दोस्त, यहां पे भी देखेंगे कि स्पिनर्स 9 विकेट निकाले हैं, सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट निकाले हैं और पेसर्स 7 विकेट निकाले हैं। ठीक है, बाकी और एक मैच देखेंगे, यहां पे भी सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल आप देख सकते हैं, जहां पे 8 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे, फर्स्ट इनिंग में पेसर्स 5 विकेट निकाले थे। और जो फर्स्ट वाला मैच खेला गया था, पेसर्स फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, तो स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में 4 तो सेकेंड इनिंग में 5, टोटल 9 विकेट निकाले थे। तो लास्ट जो 4 मैचेस खेले गए हैं इस वेन्यू पे, 3 बार तो बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है और जो लास्ट वाला मैच हुआ था वहां पे सिर्फ बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम जीता। ठीक है, और यहां पे काफी अच्छा खासा स्पिनर्स को मदद मिलता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, बात करेंगे हिट टू हेड मैचेस के बारे में, तो लास्ट 5 जो हिट टू हेड मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं, वहाँ पे लास्ट 2 मैचेस श्रीलंका अंडर 19 और उसके पहले वाले 3 मैचेस पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने जीत हासिल किए हैं। लास्ट जो हिट टू हेड मैच, जैसे कि मैंने बोला, एक महीने पहले ही खेला गया है, श्रीलंका अंडर 19 147/10, पाकिस्तान अंडर 19 125/10। सी विक्रमा सिंह 12 रन किए थे, अवेस अली के बॉल पे आउट हुए थे। यहाँ पे ब्रैकेट में पाकिस्तान के कौन से बॉलर थे जो कि आउट किए थे उनका नाम लिखा है, और ये सी विक्रमा सिंह के खुद 5 ओवर डाले थे, कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे, 20 रन दिए थे, ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है, एस डैनियल 1 रन किए थे, अहमद खान के बॉल पे आउट हुए थे और 1 विकेट खुद निकाले थे 7 ओवर बॉलिंग करते हुए। ए बंदारा विकेट कीपर बैटर 13 किए थे, ये भी अहमद खान के बॉल पे आउट हुए थे। राजा पाक्सा जेड जमीर के बॉल पे आउट हुए थे 11 रन बना के और खुद 4 ओवर डाले थे। ठीक है, डी वेलेज जो कि टीम के कैप्टन है, जेड जमीर के बॉल पे आउट हुए थे, 3 विकेट निकाले थे खुद 10 ओवर डाल के। आर डी सिल्वा जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, बैटिंग से नहीं चल पाए थे, जेड जमीर के बॉल पे ये भी आउट हुए थे, खुद 10 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले थे। रॉड्रिगो 31 किए थे, 1 ओवर बॉलिंग किए थे। पथिराना एम सदाकत के बॉल पे आउट हुए थे 31 रन बना के प्लस 1 विकेट निकाले थे 3 ओवर बॉलिंग करके। टी मैथ्यू जो के मैन ऑफ द मैच रहे थे उस मैच में, 4 विकेट निकाले थे दोस्त 10 ओवर बॉलिंग करके, सिर्फ 14 रन दिए थे, उसमें से 3 मेडन भी था प्लस 12 नॉट आउट भी किए थे बैट से। पाकिस्तान अंडर 19 टीम से एम सदाकत ओपनिंग किए थे उस मैच में, 0 रन बना के आउट हो गए थे, खुद 1 विकेट निकाले थे 7 ओवर बॉलिंग करके। एम शहजाद
30 किए थे, एस डैनियल के बॉल पे आउट हुए थे। हसीबुल्ला खान यहाँ पे 0 किए थे, इनके तरफ से मेन बैटर हाईएस्ट रन स्कोरर इस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप का, ठीक है। टी मैथ्यू के सामने इनका खतरा है। क्यू अकरम 19 रन बना के डिसिल्वा के बॉल पे आउट हुए थे, कुछ 7 ओवर डाल के विकेटलेस। आई खान 13 बना के विलेज के बॉल पे आउट हुए थे। अहमद खान 36 प्लस 2 विकेट और ये विलेज के बॉल पे आउट हुए थे। जेड जमीर वाइल्ड बॉलिंग फर्स्ट 4 विकेट निकाले थे, बट इनका थोड़ा सा ना निगल कंसर्न चल रहा है, बट फिर भी इनको खिलाया जा रहा है जोर जबरदस्ती, इसीलिए ये उतने इफेक्टिवली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं लास्ट के कुछ मैचेस से। एवेस अली टीम के तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर, इस मैच में भी 2 विकेट निकाले थे। बात करेंगे श्रीलंका अंडर 19 टीम का अब तक का परफॉर्मेंस का। 3 मैचेस खेले थे ग्रुप स्टेज में, 2 जीते थे 1 हारे थे। फर्स्ट मैच था इनका स्कॉटलैंड अंडर 19 के अगेंस्ट, जिनको बेहतरीन तरीके से इन्होंने हराया था। विक्रमासिंघे के साथ डैनियल ओपनिंग किए थे 28 प्लस 4 ओवर बॉलिंग किए थे विक्रमासिंघे। डैनियल 4 रन प्लस 7 ओवर्स बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले थे 1 मेडन के साथ। राजापक्सा नंबर 3 पे 24। पाथी राजा को फर्स्ट मैच में मौका मिला था, उसके बाद मौका नहीं मिला था। सोमारत्ने 5। लियानाजे 85 किए थे फर्स्ट मैच में। टीम के कैप्टन विलेज वाइल्ड बॉलिंग सेकंड, देखिए 5 विकेट निकाले थे 9 ओवर बॉलिंग करके और 10 रन भी किए थे। आर डी सिल्वा 30 प्लस 8 ओवर बॉलिंग, लेग ब्रेक बॉलर है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रॉड्रिगो 4 ओवर बॉलिंग। डब्ल्यू साहान 10 ओवर डाले थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 1 विकेट निकाले थे 2 मेडन के साथ, ठीक है। पाथी राणा जो कि लसित मलिंगा की तरह बॉलिंग करते हैं, 1 विकेट निकाले थे। सेकेंड मैच में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम को बीट किया था दोस्त, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। विक्रमासिंघे बैटिंग सेकंड करते हुए 9 रन प्लस 3 ओवर बॉलिंग विकेटलेस। एस डैनियल 6 ओवर डाले थे विकेटलेस प्लस 19 रन। राजापक्सा 1 विकेट निकाले थे 6 ओवर बॉलिंग डाल के। लियानाजे 7 रन किए थे। वेलेज टीम के कैप्टन अगेन 5 विकेट 10 ओवर बॉलिंग करके, ठीक है। और 52 वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वाइज कैप्टन ऑप्शंस इस मैच का। बंदारा 33 किए थे, इनको नंबर 4 पे भी प्रमोट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सोमारत्ने 32 नॉट आउट किए थे, काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किए हैं। आर डी सिल्वा 2 ओवर डाले थे। टी मैथ्यू जब जब खेले हैं 2 विकेट के नीचे तो बात ही नहीं किए हैं, ठीक है। रॉड्रिगो 5 ओवर बॉलिंग विकेटलेस। पाथिराना डेथ में आए थे, 2 विकेट निकाल के गए थे। नेक्स्ट मैच देखेंगे होस्ट नेशन वेस्ट इंडीज़ को, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया था। विक्रमासिंघे यहाँ पे 4 रन। राजापक्सा 76 किए थे बैट फर्स्ट और बॉल सेकंड करते हुए, ठीक है। बाकी डैनियल 34 और यहाँ पे विकेटलेस। लियानाजे 9 रन। बंदारा 40 नॉट आउट। वेलेज यहाँ पे फिर से देखिए 3 विकेट निकाले थे और 15 रन भी किए थे। बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन दिए हैं। सोमारत्ने अगेन 28 नॉट आउट गए थे। आर डी सिल्वा बॉलिंग नहीं डाले थे। रॉड्रिगो विकेटलेस। टी मैथ्यूज का 1 विकेट। पाथिराना फिर से 2 विकेट 10 ओवर कंप्लीट डाले थे, डेथ ओवर्स में आए थे, ठीक है। दोस्तों इनका लास्ट मैच था साउथ अफ्रीका अंडर 19 के सामने, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने 232 फॉर 6 किए थे और टारगेट को डिफेंड भी किए थे काफ़ी अच्छे तरीके से। विक्रमासिंघे और राजापक्सा से कुछ खास स्टार्ट नहीं मिला था। डैनियल 29 किए थे नंबर 3 पे आके प्लस 2 विकेट। लियानाजे नंबर 4 पे आके 0 रन बनाए थे, बट इनका स्पेशल ध्यान रखना है इस मैच में, क्योंकि इस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 85 कर चुके हैं, कभी भी लंबा पारी खेल सकते हैं। डी वेलेज 113 किए थे बिंग द कैप्टन प्लस 1 विकेट निकाले थे 6 ओवर बॉलिंग करते हुए। सोमारत्ने 57 अगेन कंसिस्टेंट बैटिंग। आर डी सिल्वा 2 विकेट निकाले थे, लेग ब्रेक बॉलर है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं स्पेशली सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए। वी रानपुल 4 ओवर डाले थे विकेटलेस। ये इस साल ऑलरेडी एक 5 ओवर निकाल चुके हैं, ध्यान रखिएगा स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए वी रानपुल का, ठीक है। डब्ल्यू साहान 7 ओवर 1 विकेट। टी मैथ्यू अगेन 10 ओवर अगेन 2 विकेट। दोस्तों इनका प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। सी विक्रमासिंघे जो कि लेफ्ट हैंड बैटर और आइटम मीडियम फास्ट है, वो बैटिंग करेंगे एस डैनियल के साथ, लेफ्ट हैंड बैटर आइटम ऑफ ब्रेक। एस राजापक्सा आ सकते हैं नंबर 3 पे, या फिर राजापक्सा ओपनिंग कर सकते हैं, डैनियल आ सकते हैं नंबर 3 पे, ये इनका स्विच चलता रहता है, ठीक है। लियानाजे लेफ्ट हैंड बैटर है, ये बैकअप विकेट कीपर भी है, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। वेले जाएंगे नंबर 5 पे, लेफ्ट हैंड बैटर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर। इनके टीम में ना काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो ओपोनेंट टीम का जो आइटम ऑफ ब्रेक बॉलर है जो कि कासिम अकरम है, उनके कैप्टन, उनके ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है, जो कि मैं नीचे बात करूंगा फिर से, ठीक है। यहां पे एस डैनियल भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड बैटर हैं, राजापक्सा भी यहां पे राइट हैंड बैटर हैं, विक्रमासिंघे लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड बैटर हो गए। लियानाजे लेफ्ट हैंड बैटर, डी वेलेज लेफ्ट हैंड बैटर, तो टॉप 5 में से 4 तो लेफ्ट हैंड बैटर हैं, ठीक है। बंदारा और एक लेफ्ट हैंड बैटर जो कि नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे। सोमारत्ने राइट हैंड बैटर, आर डी सिल्वा राइट हैंड बैटर लेग ब्रेक बॉलर, टी मैथ्यू राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर, रॉड्रिगो एंड डब्ल्यू साहान में से कोई एक खेल सकता है। लास्ट मैच में डब्ल्यू साहान को मौका मिला था, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन
बॉलर हैं, अगर सामने वाले टीम में ज़्यादा राइट हैंड बैटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर को खिलाते हैं। और वैसे भी रोड्रिगो अपने कोटे का फुल ओवर्स तो डालते नहीं है, बट हाँ डब्लू साहन से ज़्यादा अच्छा बैटिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एम पथिराना इनके मेन बॉलर हैं जो कि लसित मलिंगा की तरह बॉलिंग करते हैं, अगर फिट हुए तो इस मैच में खेलने चाहिए, नहीं तो वी रानपुल और एक राइट आर्म मीडियम फास्ट इनके जगह खेलेंगे। पावर प्ले में रोड्रिगो डालते हैं अगर खेलेंगे तो, टी मैथ्यू तो डालते ही हैं एंड पथिराना डालते हैं। डेथ ओवर्स में विलेज पथिराना एस डैनियल एंड डब्लू साहन अगर खेलते हैं वो भी डालते हैं थोड़ा बहुत। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बारे में देखिए, इनका जर्नी अब तक काफ़ी स्मूथ रहा है, सिर्फ एक मैच को छोड़ के। तीन मैचेस खेले थे ग्रुप स्टेज में, तीनों ही जीते थे। फर्स्ट मैच में जिम्बाब्वे को काफ़ी बुरे तरीके से हराए थे, एम शहजाद 5 रन किए थे, बट हसीबुल्ला खान जो कि टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर है 135 किए थे वाइल बैट फर्स्ट, ए फसी लेफ्ट हैंड बैटर 27 किए थे। अब देखिए इनके भी टॉप ऑर्डर में दो लेफ्ट हैंड बैटर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इरफान खान 75 किए थे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए। कासिम अकरम जिनके बारे में बात कर रहा था, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है जो कि सामने वाले श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को दिक्कत दे सकते हैं पावर प्ले में, ठीक है। एम सदाकत लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है, 5 ओवर डाले थे, पार्ट टाइम डाल रहे हैं। अब्बास अली 13 किए थे, अहमद खान 7 ओवर डाले थे, 2 विकेट निकाले थे। इनको थोड़ा बहुत कम ओवर्स कभी कभी मिल जाते हैं, बट काफी अच्छे स्ट्राइक बॉलर हैं अहमद खान, ठीक है। जेड जमीर राइट आर्म फास्ट 21 नॉट आउट और 2 विकेट 9 ओवर बॉलिंग करते हुए। फर्स्ट मैच में इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद इनका जो निगल आया है ना उसके वजह से इनको बॉलिंग करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। जो लाइन एंड लेंथ्स को वो हिट करना चाहते हैं कंसिस्टेंटली उसको हिट नहीं कर पा रहे हैं। ये मुमताज अपने कोटे का फुल ओवर्स हमेशा डालते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स काफ़ी अच्छे विकेट टू विकेट डालते हैं, मैंने इनका बॉलिंग देखा है, ज़रूर से आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। एवेस अली द मैन इन फॉर्म 6 विकेट निकाले थे 9 ओवर बॉलिंग डाल के इस मैच में। सेकेंड मैच था अफगानिस्तान के सामने, इनको भी इन्होंने बीट किया था, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 239/9 किए थे, जो टारगेट को अच्छे तरीके से डिफेंड भी किए थे। एम शहजाद 43 किए थे ओपनिंग करते हुए, हसीबुल्ला खान इस मैच में नहीं चले थे, ए फसी 68 किए थे, काफ़ी अच्छे छुपारू स्तंपिक आपके लिए बन सकते हैं। इरफान खान 4 रन किए थे, कासिम अकरम 38 रन और 2 विकेट निकाले थे 9 ओवर बॉलिंग करते हुए। टीम के कैप्टन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं इस मैच में, स्पेशली श्रीलंका के सामने लेफ्ट हैंडेड बैटर्स टॉप ऑर्डर में भर भर के हैं, इसीलिए। एम सदाका 6 ओवर डाले थे, 1 विकेट 42 नॉट आउट किए थे, ये एशिया कप में ओपनिंग करते थे, अभी ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब्बास अली 5 रन, अहमद खान 6 ओवर विकेटलेस, जेड जमीर देखिए यहां पे 10 ओवर्स में 54 विकेटलेस, बट एवेस अली लास्ट मैच में 6 विकेट, इस मैच में 3 विकेट। ए मुमताज को यहां पे भी फुल ओवर्स मिला बट यहां पे विकेटलेस गए थे। अच्छा, पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच था पीएनजी जैसे वीक टीम के सामने, जिनको इन्होंने सिर्फ 50 पे ही ऑल आउट कर दिए थे, खुद आसानी से 9 विकेट से मैच को जीत गए थे। एम शहजाद को इस मैच में बॉलिंग करवाया गया था जो कि 5 विकेट निकाल के गए थे दोस्त, ग्रैंड लीग के बेहतरीन सीवीसी ऑप्शन बन सकते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि एम शहजाद इतने ओवर्स बॉलिंग कर सकते हैं या फिर इनसे इतना ओवर बॉलिंग करवाया जा सकता है, क्योंकि सामने ओपोनेंट बहुत ज़्यादा वीक था, तो पाकिस्तान ने चांस लिया और एम शहजाद 5 विकेट लेके गए थे राइट आर्म मीडियम, ठीक है। बाकी 3 मेडन भी डाले थे। अब्बास अली ओपनिंग किए थे जो कि 6 ओवर डाले थे, 1 विकेट निकाले थे, 27 नॉट आउट भी किए थे। हसीबुल्ला खान को नंबर 3 पे भेजा गया था इस मैच में जो कि 18 नॉट आउट किए थे। बाकी बॉलिंग से अहमद खान 5 ओवर डाले थे, 3 विकेट निकाले थे। एवेस अली 5 ओवर डाले थे, काफी इकोनॉमिकल डाले थे बट विकेट नहीं निकाल पाए थे, बाकी इनका बॉलिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ा था। अच्छा, नेक्स्ट मैच था इनका अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सामने इनका मुकाबला था जो कि वो हार गए थे, चेज नहीं कर पाए थे 277 के टारगेट को, क्योंकि टॉप ऑर्डर में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया था स्पेशली हसीबुल्ला खान से या फिर एम शहजाद से। ए फसी एंड इरफान खान थोड़ा बहुत पारी को संभाले थे, कासिम अकरम बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए थे जो कि इनका ज़रूरत था, 3 विकेट निकाले थे बॉलिंग से। एम सदाकत बैटिंग से फ्लॉप, अब्बास अली बैटिंग से फ्लॉप, अहमद खान 5 ओवर डाले थे विकेटलेस बट 13 रन किए थे। जेड जमीन इनके मेन बॉलर 76 रन्स पड़ गया था इनको 9 ओवर्स में, ठीक है। एम मुमताज 29 प्लस 10 ओवर डाले थे, 1 विकेट निकाले थे। एवेस अली फिर से यहां पे 2 विकेट निकाल के गए थे। दोस्तों, लास्ट मैच था इनका बांग्लादेश के सामने, काफ़ी बढ़िया तरीके से जीत हासिल किए थे 176 के टारगेट को चेस करके, क्योंकि एम शहजाद 36 किए थे, हसीबुल्ला खान टॉप ऑर्डर में 79 किए थे। ये दोनों जब तक चलेंगे ना टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ए फसी नीचे आके 22 नॉट आउट किए थे, इरफान खान 24 किए थे, ठीक है। कासिम अकरम राइट आर्म ऑफ ब्रेक 10 ओवर डाले थे विकेटलेस, इस मैच में इंपॉर्टेंट होंगे क्यों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एम सदाका 2 ओवर डाले थे विकेटलेस, अब्बास अली 4 ओवर डाले थे विकेटलेस, अहमद खान 4 ओवर डाले थे 1 विकेट, जेड जमीर 10 ओवर डाले थे, काफी अच्छा बॉलिंग किए थे 1 विकेट निकाले थे। एम मुमताज को 3 विकेट मिला था लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 2 मेडन के साथ 10 ओवर। एवेस अली टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर 3 विकेट इस मैच में भी निकाले थे।
दोस्तों इनका प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा देख लेंगे तो एम शहजाद के साथ हसीबुल्ला खान ओपनिंग करने चाहिए, ए फसी आएंगे नंबर 3 पे, ये दोनों लेफ्ट हैंडर है। सामने टी मैथ्यूज जो कि पावर प्ले में डालते हैं श्रीलंका अंडर 19 टीम से, इन दोनों को दिक्कत दे सकते हैं ठीक है। तो हसीबुल्ला खान को सीबीसी बनाने से पहले टी मैथ्यूज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एम शहजाद ओपनिंग करेंगे, इरफान खान आएंगे नंबर 4 पे, कासिम अकरम नंबर 5 पे, प्लस अपने कोटे का फुल ओवर्स डालेंगे। एम सदाकत पार्ट टाइम बॉलिंग प्लस बैटिंग, अब्बास अली थोड़ा बहुत बॉलिंग डालेंगे ज़्यादा नहीं। अहमद खान अपने कोटे का लगभग 6 से 7 ओवर डालेंगे राइट आर्म मीडियम। जेड जमीर राइट आर्म फास्ट लगभग 145 के स्पीड से बॉलिंग करते हैं। एम मुमताज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अवैस अली इनके पार्टनर होने वाले हैं जेड जमीर का जो कि इनके तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर है। पावर प्ले में जमीर कासिम अकरम एंड अवैस अली डालते हैं। डेथ ओवर्स में जमीर अवैस अली के साथ कासिम अकरम एंड अहमद खान भी कभी कभी डाल लेते हैं ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में दिया गया स्टैट्स एंड एनालिसिस एंड जो नॉलेज मैंने प्रोवाइड किया है अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे ज़रूर से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट टॉस के बाद वहीं पर आएगा ठीक है। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में ग्रैंड लीग के नंबर 1 पिक होने वाले हैं एस लियानाजे। नंबर 4 पे बैटिंग काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, हालांकि लास्ट मैच में 0 पे आउट हुए हैं, बट हर मैच में वैसा हो वो ज़रूरी नहीं ठीक है। हसीबुल्ला खान जो कि काफ़ी कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं, लास्ट मैच में भी 79 रन्स बना के आ रहे हैं, ज़रूर से आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। ए बंदाड़ा वन ऑफ द क्लासिक बैटर्स है जो कि विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स देंगे, ज़रूर से ग्रैंड लीग में ध्यान दीजिएगा, इनको नंबर 4 पे भेजा जा रहा है ठीक है। बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, ए फसी जो कि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं। एस राजापक्सा ओपनिंग कर रहे हैं या फिर नंबर 3 पे खेलेंगे, पार्ट टाइम बॉलिंग भी डाल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। सिलेक्शन सिर्फ 57% का। आई खान नियाजी जो कि नंबर 4 पे पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं, लगभग 25 से 30 रन बना के ऑन एन एवरेज आपको दे सकते हैं। आर डी सिल्वा वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पिक, स्पेशली बॉलिंग सेकेंड करते हुए अपने ग्रैंड लीग के टीम में ज़रूर से रखिएगा, बेहतरीन लेग ब्रेक बॉलर है, प्लस नंबर 6 से 7 तक आके बैटिंग भी कर सकते हैं। सोमरत ने कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे अब्बास अली आपको दिख जाएंगे, उतने इंपॉर्टेंट तो हैं नहीं है ठीक है। बाकी पथिराजा को मौका नहीं मिला है फर्स्ट मैच के बाद, इस मैच में अगर खेलते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्स बन जाते हैं, जो एशिया कप था वहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए थे। दोस्तों फिलहाल के लिए बैटिंग सेक्शन में मैंने फसी को ले लिया है, राजापक्सा को ले लिया है एंड सोमरत्ने को ले लिया है ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में डी वेलेज मेरे टीम का मस्ट पिक होंगे। अब देखिए क्योंकि कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, लास्ट मैच में 100 भी किए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट सीवीसी पिक है ठीक है। एम शहजाद जिनको ओपनिंग करेंगे वो पीएनजी वाले मैच को छोड़ के ये बॉलिंग नहीं डाले हैं, और एक बैटर्स के पीछे सिर्फ 9.5 क्रेडिट्स खर्च करना मुझे उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। अगर बॉलिंग नहीं डालते हैं और इस मैच में सिर्फ बैटिंग ही करते हैं तो हम इनको छोड़ के रिस्क ले सकते हैं ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एम शहजाद को नहीं लूँगा, मैं लूँगा कासिम अकरम को, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला श्रीलंका के पास टॉप ऑर्डर में जो 5 बैटर्स से उनमें से 4 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स है और ये है राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो कि काफी अच्छा दिक्कत दे सकते हैं ठीक है। दोस्तों नीचे आएंगे, एस डैनियल आपको दिख जाएंगे जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, कभी कभी ओपनिंग भी करते हैं, बट अपने कोटे का 5 से 6 ओवर डाल सकते हैं। सी विक्रमा सिंघे ओपनिंग करेंगे, उतने खास ओवर्स नहीं डाल रहे हैं, अगर ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग में कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग बैटर है। एम सदाकत नंबर 5 से 6 तक बैटिंग करेंगे, अपने कोटे का 5 से 6 ओवर डाल सकते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग प्लस नीचे बैटिंग आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में मैं इन दोनों को प्रेफर नहीं करूँगा ठीक है। दोस्तों अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में, देखिए बॉलिंग सेक्शन में आपको अवैस अली जो कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम से हाईएस्ट विकेट टेकर है ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। वी रानपुल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं श्रीलंका तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक फाइफर भी निकाल चुके हैं, 5 विकेट हॉल भी निकाल चुके हैं 2-3 मैच पहले ठीक है। बाकी यहाँ पे अवैस अली 5 विकेट निकाले थे एक मैच में, बट इस मैच में हाईएस्ट विकेट टेकर के हैसियत से ये उतरेंगे पाकिस्तान अंडर 19 टीम से ठीक है। पथिरन अगर खेलेंगे 7% का सिलेक्शन है, ध्यान देना है इनके पीछे क्योंकि डेथ ओवर्स में डालेंगे, लसित मलिंगा की तरह बॉलिंग करते हैं, बेहतरीन यॉर्कर्स डालते हैं, पेस भी इनका काफ़ी अच्छा खासा है। दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको एम मुमताज दिख जाएंगे जो कि अपने कोटे का फुल ओवर्स डालते हैं, हमेशा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं, ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्स होंगे। जेड जमीर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप ट्राई कर सकते हैं, एंड टी मैथ्यूज़
81% सिलेक्टेड है। स्मॉल लीग के लिए टी मैथ्यूज को मैं लूंगा फिलहाल के लिए। अगर आप मुमताज को नहीं ले रहे तो एम मुमताज को छोड़ के जेड जमीर को, जो कि इनके मेन फास्ट बॉलर हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले हैं, जरूर से आप ट्राई कर सकते हैं। ये मुमताज का क्या है, कंसिस्टेंटली लाइन एंड लेंथ को तो हिट करते हैं बट विकेट्स उतना कंसिस्टेंटली नहीं निकाल पाते हैं। लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले हैं बट जरूरी नहीं है कि हर मैच में वो 3 विकेट निकाले। जेड जमीर इनके तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे जो एशिया कप इन्होंने रिसेंटली खेला था, बट अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। हालांकि लास्ट मैच में काफ़ी बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा किया, काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग किया, जहाँ पे 2 for 27 किया 10 ओवर बॉलिंग करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल लीग का और दो बेहतरीन ऑप्शन या फिर मिनी जीएल पिक आप कह सकते हैं, डब्ल्यू सहान, जो अपने कोटे का लगभग फुल ओवर्स डालेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं। ठीक है, अहमद खान जो ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं एंड 6 से 7 ओवर बॉलिंग भी डाल सकते हैं, राइट आर्म मीडियम। अगर पाकिस्तान अंडर 19 बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, अहमद खान को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बाकी नीचे और कोई खास बॉलर है नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका कैप्टन वाइस कैप्टन ये सब कुछ देखने के और सुनने के बाद कौन होने वाले हैं, तो आपका क्या रहेगा सजेशन, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने में। अगर आप कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे ना, तो मुझे एंड हमारे बाकी भाई बंधुओं को आपके सजेशन से थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिलहाल के लिए कैप्टन तो यहाँ पे मैं D11 को ही बनाना चाहूँगा, कहाँ गए, हाँ D11 को बनाना चाहूँगा वाइस कैप्टन, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंड बैटर्स भर भर के हैं, कासिम अकरम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एवेस अली को बना सकते हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान अंडर 19 टीम बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो, क्योंकि हाइएस्ट विकेट टेकर है, 2-3 विकेट तो आराम से निकाल के जाएंगे। दोनों का ही ना बैटिंग ऑर्डर उतना खास नहीं है बट दोनों बॉलिंग से काफ़ी अच्छा किए हैं और दोनों का स्पिन अटैक काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी स्पिन अटैक है और दोनों ही स्पिन को अच्छे खासे खेल लेते हैं। फंसेंगे तो वो पेसर्स के सामने ज़्यादा फंस सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक नए मैच एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।